अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। तो जी, ये ईद का फर्स्ट डे है और यहाँ पर फर्स्ट डे नहीं है, मतलब एक दिन पहले की है, रात की है ये वीडियो है। मैं उस वक्त सवैयाँ बना रही थी, तकरीबन 3 बजे का टाइम था रात के, तो मैंने सोचा भी सवैयाँ बना लूँ, फिर थोड़ी देर मतलब फिर ये ठंडी होने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं सवैयाँ बना रही हूँ। ऐना गई हुई थी सैलून, वो सैलून से भी थोड़ी देर पहले आई है, उसने करवानी थी कटिंग जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं उसके साथ सैलून नहीं गई थी क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर बैठना बहुत मुश्किल लगता है। तो बहरहाल वो मैं आपके साथ बाद में किसी दिन शेयर करूँगी कि उसकी कटिंग कैसी थी। तो यहाँ पर सवैयाँ रेडी थी और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नट्स वगैरह डालकर इसको गार्निश किया था और अब मैं इसे फ्रिज में दूंगी, ये ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे वगैरह नमाज़ पढ़ के, हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और यहाँ पर रखा है मटन, और ये हस्बैंड ने बनाया था मटन और ये बहुत मज़े का बना था, लेकिन ये कि मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते मटन, तो फिर मैंने उनके लिए फिर बिरयानी बनाई थी। तो मुझे ये था, मुझे पता था कि ये मटन नहीं इतने शौक से खाएंगे, तो बस इकराश ने थोड़ा बहुत खाया था और ऐना और सुबह ने तो मतलब इतना नहीं खाया। तो बहरहाल फिर साथ में बनाई थी बिरयानी और यहाँ पर बिरयानी चिकन बिरयानी थी और बिरयानी हमारी रेडी तकरीबन हो गई है और साथ में प्याज फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि इकराश को होता है कि बिरयानी के साथ में प्याज फ्राई किए हुए हों। तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी बिरयानी रेडी थी और प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम खाते हैं खाना अपना। बहरहाल यहाँ पर ईद तो हमारी ऐसी ही गुजरती है कि बस घर में ही, क्योंकि यहाँ पे परदेश में रहने वालों की ईद तो बस ऐसे ही होती है कि आपने बस नमाज़ पढ़ के आए, आके सो हो गए। बस यही था कि हम भी खाना वाना खा के फिर सो गए थे, फिर शाम में उठ के ये बिरयानी वगैरह मैंने बनाई थी। और यहाँ पर सबा वाले आए, तो जी यहाँ पर अरहम की फैमिली आई हुई है। सबा मेरे जहन में नाम ही नहीं आ रहा था, नाम ही भूल गई उनका, अरहम का हद हो गई है। तो बस फिर वो थोड़ी देर बैठे बैठे थे तो उनके साथ बातें बातें की, वो बैठे थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर ऐना कहने लगी कि आज चलते हैं बाहर, क्योंकि सारा दिन हमने सो के गुजारा है और कहीं भी नहीं गए। तो इकराश और सुबान से कहा तो वो लोग तो एग्री नहीं किए कि हमने नहीं जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे थे जब हम सुबह नमाज़ पढ़ के आए थे तब इतनी शदीद गर्मी थी, उसके बाद ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकले कि हमने नहीं जाना। और वाकई गर्मी इतनी शदीद गर्मी थी, 50 से ऊपर टेम्परेचर था तकरीबन, और यहाँ पर रात का वक्त था लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ही। लेकिन ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये इधर अज़ाहिया में ही है अलजादा। तो पहले भी हम यहाँ पे आए थे, लास्ट ईयर आए थे तब मतलब अच्छी बनी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा और अच्छा इसको कर दिया है, तो अब तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था यहाँ का व्यू। और दूसरा ये था कि ईद की वजह से भी इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, तो बहुत ही अच्छी ये जगह थी। लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए ही हम आए थे और लेकिन इतनी गर्मी थी हम तकरीबन 15 से 20 मिनट ही रुके होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद हमने कहा कि बस चलो, क्योंकि इतनी गर्मी थी और इस तरह पसीना बह रहा था जिस तरह पता नहीं हम नहा कर आएँ। और तो बस फिर हम लोग आ गए थे घर पर, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखें कि कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो इस वक्त हम लोग, मैं और ऐना, हम आपस में वही डिस्कस कर रहे थे। ऐना कह रही थी यूँ लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान में होता था ईद मिलादुन्नबी होता था, तो उस मतलब उस वक्त गलियों को जिस तरह सजाया हुआ था, तो वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि ये देखिए इतना अच्छा था इन्होंने इनको डेकोरेट किया हुआ है, यूँ लग रहा है जिस तरह हम पाकिस्तान की मतलब वो आ गई, ईद मिलादुन्नबी की याद आ गई है। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत ये जगह थी। और यहाँ पर ये था कि काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, अब पहले इस साइड पर नहीं थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा है, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, स्टारबक्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत मतलब था। तो मैंने कहा था मैं इकराश को बताऊंगी, क्योंकि कई दफ़ा उसे होता है रात में ना, उसको होता है कि मुझे कॉफ़ी पीने जानी है, स्टारबक्स जाना है, तो यहाँ पे करीब ही था, तो मैंने कहा उसे बताऊंगी कि यहाँ पे करीब ही है, यहाँ पर चले जाया करो। पहले वो जाता होता था वहाँ कॉर्निश की तरफ,
कॉर्निश की तरफ पीने के लिए, तो ये यहाँ पे करीब था। तो बहरहाल बहुत ही अच्छी ये जगह है। अब चलते हैं अंदर और यहाँ पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर सारे फूड ट्रक भी बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सारा बर्गर सैंडविचेस वगैरह तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगी। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी गाड़ी पार्क और फिर चलते हैं अंदर, और फिर मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ कि ये पार्क कैसा है। लेकिन बहुत ही मज़े का ये पार्क था। चल, लास्ट ईयर हम आए थे, लास्ट ईयर तकरीबन हम 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर बच्चों ने मतलब फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, ऐसे ही थोड़ा टाइम वाइम स्पेंड किया था। तो लेकिन अब इस दफ़ा जो है वो बहुत थोड़ा डिफरेंट लग रहा था हमें, या तो शायद काफ़ी टाइम के बाद आए थे, और दूसरा ये था कि ईद फेस्टिवल भी यहाँ पे लगा हुआ था। ईद की वजह से भी बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, और यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे झूले वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर मतलब स्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह इन्होंने स्केटिंग के लिए बनाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि स्केटिंग करने के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। ऐना को बहुत शौक होता है स्केटिंग करने का, तो उसे ये था मतलब उसके लिए भी ये जगह अच्छी है, और बच्चों के खेलने के लिए भी तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। बच्चे यहाँ पर आके बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी, जैसा कि आपने देखा कि ईद की वजह से यहाँ पर एक फेस्टिवल सा इन्होंने ईद फेस्टिवल किया हुआ था, और बहुत ही मतलब एक अच्छा था। अरबिक सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, जो इनका अरबिक लोकल डांस होता है वो हो रहा था। और यहाँ पर ये देखें, ये स्केटिंग की जगह है, यहाँ पर स्केटिंग वगैरह करते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पर भी एक और पॉइंट है स्केटिंग का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है।
लेकिन यहाँ पर इतनी इस वक्त गर्मी थी, आप यकीन करें खड़ा होना मुश्किल हुआ हुआ था। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है आम दिनों में भी, लेकिन अभी यह था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी लोग थे लेकिन इतने नहीं थे जिस तरह पहले हम आते थे। तो पहले बहुत लोग होते थे, तो गर्मी की वजह से अब लोग कम निकले हुए हैं। तो यहाँ पर ऐना अपने बाबा के साथ जा रही है आगे, और यहाँ पर ये देखें ये वाला पॉइंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है स्केटिंग के लिए, बहुत अच्छा ये इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है स्केटिंग करने के लिए। और यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज ही इस वक्त बैठी हुई थी, अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे वो लोग स्केटिंग वगैरह करने के लिए। बहरहाल मुझे तो ये स्केटिंग की जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। तो अब चलते हैं आगे, और आगे जाके फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर इस साइड पर फीमेल टॉयलेट्स हैं और दूसरी साइड पर मेल हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीनरी भी देखेंगे, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। आप यहाँ पर आके बैठें, टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, तो ये कि एक अच्छा मज़ा आता है। लेकिन ये कि मौसम भी अच्छा हो, इतनी गर्मी में तो यहाँ पर बैठना क्या खड़ा होना ही मुश्किल था। तो चलिए जी, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।